हेलो गाइस, तो यहाँ पे गाइस ब्रांड न्यू गेम प्ले का गाइस, यहाँ पे ब्रांड न्यू एक नई चीज़ आ चुकी है गाइस आपके लिए। गेम पैड गाइस जो है गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। इसमें गाइस आपको सिखाऊंगा गाइस कैसे जो आप अपनी सेटिंग्स जो है गेम प्ले सेटिंग्स गाइस गेमिंग के लिए बेस्ट सेटिंग्स गाइस पर भी मोबाइल के लिए गाइस सिखाऊंगा गाइस। तो गाइस सब कुछ होगा इसमें। पीक फायर जैसे कि आप प्रो प्लेयर्स का देखते हो गाइस, पीक करते हुए फायर करते हैं, चलते हुए गाइस एक वन शॉट डेड होता है गाइस, उनका सीधा परफेक्ट शॉट लगता है गाइस। एकदम परफेक्ट शॉट लगने में तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा गाइस, बट एक बात है कि गाइस उतने में सीखने की परफेक्ट टेक्निक आपको आ जाएगी गाइस कि कैसे मीन्स पीक फायर इकट्ठे करें गाइस। तो यहाँ पे गाइस फिलहाल मैं वैसे ही यहाँ पे टेम्प्रेरी कर रहा था गाइस, तो मेरे पास पुराना गेम प्ले पड़ा हुआ था गाइस, तो मैं वो थोड़ा शो कर रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पे अब चलते हैं हमारी सेटिंग्स में और दिखाता हूँ गाइस कैसे जो है आप ये सेटिंग्स कर सकते हो। तो गाइस सेटिंग में आ चुके हैं गाइस। कंट्रोल्स में आने के बाद यहाँ पे मेरी सेटिंग्स ये है गाइस, तो मैं लेआउट चेंज करके आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको सेटिंग्स अपनी करनी है चेंज। कैसे आप लेआउट चेंज कर सकते हो, अगर आपको डिफिकल्टी हो बाद में तो आप सेट इजीली कर सकते हो गाइस। सबसे पहले ट्रिगर का साइज छोटा कर देना और प्लेयर का नेम भी छोटा कर दीजिए गाइस, क्योंकि उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ये बटन गाइस अब काम का नहीं क्योंकि वो मोड जो है हट चुका है, ज़ॉम्बी मोड। और बाकी गाइस यहाँ पीक एंड फायर और बाकी ये सब गाइस ऑप्शन है आम। तो ये क्रेडिट कोड गाइस यहाँ पे पिकअप थिंग्स एक जैसे रहने दो, और ये गाइस डोर का ओपन साइज और ड्राइव स्मॉल कर दो गाइस, क्योंकि ये आम बटन है, बहुत रेयरली यूज़ होते हैं, मीन्स काफ़ी मतलब जल्दी वैसे ज़्यादा भी यूज़ होते हैं बट ईजिली यूज़ हो जाते गाइस, इतना मीन्स ऑफन यूज़ होते हैं ये। तो गाइस यहाँ पे आपको स्कोप चेंज भी काफ़ी कम मिलेगा यूज़ करने को। गाइस एटेक्स है तो एटेक्स ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो गाइस इसको मीन्स साइड में रख देते हैं गाइस, मीन्स यूज़ में भी होगा गाइस और ज़्यादा सामने नहीं है। पीक गाइस यहाँ ले और ये स्प्रे मैप गाइस इसको बिटवीन रखना, ज़्यादा भी गाइस बिटवीन मत रखना ताकि एनिमी सामने और आपको दिखे भी ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए गाइस। स्प्लिट मोड और ये सब गाइस आपको एक साइड पर रख देने गाइस, क्योंकि स्प्लिट मोड वहीं से ऑन हो जाता है गाइस। और यहाँ पे स्कोप चेंज गाइस आप देख सकते हो कहाँ आपको बेस्ट सेटिंग मिलेगा, इस एडजस्टमेंट ही करनी है गाइस। मेरी कॉपी कर लो पूरी, और एग्जिट बटन अपने लेफ्ट थंब के पास रखने गाइस, क्योंकि इजीली जो डोर एग्जिट हो जाएगा गाइस, काफ़ी होता है कि स्क्वाड आ जाती है और डोर एग्जिट जल्दी मीन्स बटन थोड़ा टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में, तो पिकअप फायर के लिए जल्दी ये इंपॉर्टेंट होगा। इसे मोड्स इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार, तो यहाँ पे सामने रखो। स्लाइड स्कोप ज़्यादा वैसे यूज़ नहीं होता बट फिर भी यहाँ गाइस। तो ये जंप मोड गाइस, जंप से ज़्यादा अच्छा क्राउच होता है गाइस, क्योंकि क्राउच में होता है कि गाइस वहाँ पे फायरिंग करते हुए ज़्यादातर लोग क्राउच होते हैं गाइस, जंप से ज़्यादा क्राउच होते हैं। तो दोनों बटन मीन्स थोड़ा आसपास ही होना चाहिए, पीक और लेफ्ट और राइट पीक गाइस यहाँ पे होना चाहिए कि ताकि आपकी जो फिंगर का एंड टिप हो गाइस वो इजीली आपका यहाँ तक पहुँच जाएगा गाइस। तो इसके बाद यहाँ पे लोकेशन मार्क करनी है, उसको थंब के पास रखिए गाइस। और ये मैसेज वाला थोड़ा छोटा कर दीजिए गाइस, इतना भी बड़ा नहीं कि मीन्स मैसेज छोटे में क्लियर पड़े जाते हैं बिलो 9.0 डिवाइसेस गाइस। तो रिवाइव वाला बटन यहाँ पास होना चाहिए ताकि कैंसिल भी जल्दी हो, ट्रिगर भी पास में ही हो गाइस। ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है गाइस। और बैकपैक साइड में आप एडजस्ट कर सकते हो, छोटा साइज भी कर सकते हो, क्योंकि बैकपैक का बटन ही है गाइस। और गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ गेम प्ले इसके साथ गाइस। तो देख सकते हो पिक एंड फायर का ऑप्शन देख सकते हो गाइस, कितना मीन्स आपको मिलेगा। रिकॉइलिंग कंट्रोल फिलहाल मैं नहीं कर पा रहा हूँ गाइस, हो जाती है वैसे टेम्परेरी गाइस, मैं रिकॉर्ड कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गाइस अभी फिलहाल मेरे थंब पे चोट लगी थी गाइस, इसलिए मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा इसे। तो गाइस सॉरी फॉर दैट गाइस, बहुत जल्द वीडियो आएगी हाउ टू कंट्रोल योर रिकॉइल। प्लस गाइस एक और वीडियो लॉन्च होने वाली है जिसका टाइटल आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल ही जाएगा गाइस। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है पिक एंड फायर में गाइस, ओपन स्कोप ऑन कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि इससे जो आपकी प्रॉब्लम कम हो सकती है अगर आप स्क्वाड डाउन पास में कर रहे हो गाइस, क्योंकि हाई रेंज के लिए गाइस स्कोप ऑन ज़्यादा रिकमेंडेड होता है, क्योंकि ये स्कोप सीधा होना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट बटन हमें ढूंढना पड़ता है, इस नेक्स्ट बटन अलग से दबाना पड़ता है गाइस। बट यहाँ पे गाइस आप स्क्वाडन के लिए शायद इसको ऑफ ही रखेगा गाइस, क्योंकि ये क्लोज रेंज के लिए गाइस ज़्यादा अच्छा होता है। तो गाइस यहाँ पे मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच एक फाइट हो रही है गाइस, वहाँ से आपको रिव्यू पता चल ही जाएगा कि कैसा गेम प्ले मिलता है विदाउट उसके गाइस। तो बिना उसके भी गाइस खेला जा सकता है गाइस, देख सकते हो सिंपल बटन से जो ऑलरेडी होते हैं गाइस, मैं ऊपर से नहीं नीचे से टाइप कर रहा हूँ गाइस, ये रिकॉर्डिंग कर रहा था गाइस, थोड़ी गलत हो गई थी इसलिए कंट्रोल चेंज करने पड़े। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्लिप भी देख सकते हो गाइस, यहाँ पे गाइस पीक एंड फायर में कितना मीन्स आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिव्यू मिलेगा गाइस इसमें। और देख सकते हो गाइस कितना इजीली फायर हो रहा है, और रिकॉइलिंग भी गाइस एक ही है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी बट आदत बाद में गाइस पड़ जाएगी। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो हमारी आ रही है ग्लिच मोड ऑन गाइस, बहुत ही अमेजिंग होने वाली है गाइस, ज़रूर देखना। तो चैनल सब्सक्राइब कर